हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अफनान और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे डॉक्सबॉक्स को डाउनलोड करके विंडोज़ 11 में। सो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सिंपल, आपने अपना ब्राउज़र ओपन कर लेना है। यहाँ पे आपने सर्च करना है डॉक्सबॉक्स डाउनलोड और सोर्स 4G। ठीक है, सिंपल। सो हम इसे सिंपल और ईजीएस्ट वेज में डाउनलोड करके देखेंगे। तो फर्स्ट साइड आपने ओपन कर लेनी है, यहाँ से डाउनलोड कर लेना है सिंपल। ठीक है, सो ये हमारे पास 2 से 3 मिनट्स में जो है वो इंस्टॉल हो जाएगा, डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास डाउनलोड हो गया। ठीक है, सो सिंपल जो है वो इसे ओपन कर लेते हैं यहाँ से ही। सो सिंपल इसे रन करेंगे यहाँ से, अपने नेक्स्ट कर देना है। यहाँ से अगर आप डेस्कटॉप शॉर्टकट क्रिएट नहीं करना चाहते तो यहाँ से इसे अनमार्क कर देना है। तो यहाँ पे मैं इसे मार्क करने देता हूँ क्योंकि मेरे यहाँ पे मेरे पास जो है डेस्कटॉप पे इसका आइकन शो हो जाएगा। सिंपल नेक्स्ट करेंगे। सो यहाँ से आपने मेक श्योर कर लेना है कि आप कहाँ पे इसे जो है वो इंस्टॉल करना चाहते हैं। सो यहाँ पर मैं इसे सी प्रोग्राम फाइल x86 में इंस्टॉल करना चाहता हूँ इसे। सिंपल मैं इंस्टॉल कर दूँगा। सो यहाँ पे मेरे पास डॉक्सबॉक्स इंस्टॉल हो गया। ठीक है, तो इसे आपने क्लोज़ कर देना है अब। ठीक है, सो इसके अलावा हमें एक एम पी फोल्डर चाहिए होगा जो कि हमारे पास बेसिकली डॉक्सबॉक्स को डायरेक्टरी ओपन करने के लिए एक्सटेंशंस होती हैं। तो सिंपल आपने लिखना है डॉक्सबॉक्स एम पी फोल्डर गूगल ड्राइव। ओके, सो सिंपल इसे ओपन करना है। ठीक है, सो यहाँ से ये एम पी फोल्डर हमें चाहिए तो इसको हम यहाँ से डाउनलोड कर लेते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे ये हमारे पास जो है वो RAR फाइल डाउनलोड हो गई है। सो नाउ अब हम सिंपल से एक स्टेप करेंगे और उसके बाद अपना डॉक्सबॉक्स जो है वो हमारा रेडी हो जाएगा, इसको हम इजीली वर्क कर सकेंगे उसमें। सो शो इन फोल्डर कर लेते हैं। सो यहाँ पे मेरे पास शो हो रहा है, इसको मैं ओपन विद कर लूँगा विन रॉर। ठीक है, क्योंकि हमारे पास रॉर फाइल है। सो यहाँ पे हमारे पास ओपन हो गया और इसमें मेरे पास एक एमपी फोल्डर शो हो रहा है और एक यहाँ पे हमारे पास सेटअप शो हो रहा है डॉक्सबॉक्स का जो यहाँ पे शो हो रहा था। ठीक है, सो अभी हमें सिर्फ एमपी फोल्डर चाहिए। सिंपल इसे एक्सट्रैक्ट टू कर लेंगे और इसको सी जो है हमारा लोकल डिस्क सी इसमें जो है वो एक्सट्रैक्ट कर लेंगे सिंपल। ठीक है, इसे क्रॉस कर देंगे देन यहाँ से इसे मिनिमाइज कर देंगे। सी में जाएंगे अपनी लोकल डिस्क सी, तो यहाँ पे हमारा से एमपी फोल्डर जो है वो एक्सट्रैक्ट हो गया। ठीक है, इसे क्लोज करते हैं। डॉक्सबॉक्स ओपन करेंगे, यहाँ पे सिंपल आपने लिखना है माउंट सी सी एमपी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास सक्सेसफुली जो है वो माउंट हो गया डॉक्सबॉक्स। देन आफ्टर डैट में सी ओपन करना है, देन एडिट पे जाना है। ठीक है, सो यहाँ पे हम जो है वो प्रोग्राम लिख के इसको सेव कर सकते हैं। ठीक है, और इसको चला सकते हैं इसलिए। ठीक है, अभी हमारे पास जो है वो प्रॉपर डाउनलोड हो गया डॉक्सबॉक्स। ठीक है, हमने डॉक्सबॉक्स को डाउनलोड करके देखा विंडोज 11 में विद इन टू टू थ्री मिनट्स। ठीक है, सो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।